आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ 100 अहम खबरों पर। यूपी चुनाव पर बोले पीएम मोदी, हर यूपी चुनाव पर बोले पीएम मोदी, हर वोट बेहद कीमती, हर किसी को बतानी होगी इसकी कीमत। मुख्य सचिव मेहता ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, दवाइयों की खरीदारी व स्टोरेज और वितरण पर दिए रिपोर्ट। पचहत्तर सालों में पहली बार आधा घंटे देर से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी, डेंगू से 7 नए मरीज मिलने से 15 पर पहुंचा आंकड़ा। बिहार में शराब की सूचना देने वाले को इनाम देंगे पप्पू यादव की पाची, मृतक परिवारों को मुआवजे की मांग। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ए चंद्रबाबू नायडू हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम क्वारंटीन। बारिश के प्रकोप के बावजूद सेंट्रल वस्ता परियोजना पर निर्धारित समय से चल रहा काम, हरदीप सिंह पुरी ने दिया बयान। बिहार में नकली शराब सप्लाई करने वाला माफिया गिरफ्तार, विदेश में टैबलेट मंगवाकर बनाता था शराब। भीम आर्मी का नाम लेकर बिहार के पूर्व सीएम मांझी की अखिलेश को नसीहत, कहा रिश्तेदार की तरह होगा हाल। मांझी की पार्टी ने जदयू विधायक को कहा चिरकुट, बोले संभल जाइए नहीं तो खामियाजा भुगतना होगा। सुनवाई के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर बैन लगा सकते हैं सीधी, लैपटॉप के इस्तेमाल की सलाह। लुधियाना के विधायक सिमरनजीत बैस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, अगस्त 2020 में किया था कोविड-19 नियमों का उल्लंघन। वैक्सीन की दो खुराक और संक्रमण मिलकर 1 साल तक कोविड से बचाता है, नई रिसर्च में किया गया दावा। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में 22 जनवरी से बिगड़ेगा मौसम, 23 से फिर से शुरू होगी बारिश। ममता सरकार के मंत्री व सांसद का पीएम पर हमला, कहा हमारे पास वैक्सीन नहीं तो दुनिया को बेच रहे हैं। यूपी के चुनावी मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से काशी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। यूपी चुनाव 2022 में आयुष विभाग भी संभालेगा मोर्चा, ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर को उपलब्ध कराई जाएंगी दवा। यूपी चुनाव से पहले गरमाया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, शिक्षक संगठनों ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की टेंशन। चंदौली में ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, मुआवजा को लेकर ग्रामीणों ने किया पथराव।
लखनऊ में कोरोना के सक्रिय मामले 17,000 के पार, 24 घंटे में सीएमओ समेत 2716 संक्रमित। अलीगढ़ में चकबंदी पेशकार ने लगाई फांसी, गृह कलेश के चलते लगाई फांसी। अलीगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मंत्री का प्रशासन को अल्टीमेटम, मृतक के परिवार को नहीं मिली सरकारी नौकरी। हाथरस में अलाव की लकड़ी के नाम पर गोलमाल, रात भर अलाव जलाने के दावे झूठे साबित। कानपुर में श्याम नगर मिंट कौतो का दावा, बोले अमेरिकी नागरिक को सीसीटीवी पर देखी डकैती। रायबरेली में ट्रैक्टर व बाइक की भिड़ंत, भिड़ंत में युवक की हुई मौत। संबल में ओवरहेड टैंक पर चढ़ा बीजेपी कार्यकर्ता, गुलाबी देवी के विरोध में चढ़ा कार्यकर्ता। फर्रुखाबाद में मेला रामनगरिया का शुभारंभ, शुभारंभ में दीपोत्सव का हुआ आयोजन। हाथरस में पुलिस प्रशासन की बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र बनाने वाला गिरफ्तार। रायबरेली में फैक्ट्री में लगी आग, आग लगने से लाखों का नुकसान। संभल में सपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष, प्रत्याशी बलवंत सिंह का फूका पुतला। अयोध्या में अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा, 5 शातिर अपराधी समेत 7 लोग गिरफ्तार। बदायूं में चुनाव की तैयारी तेज, प्रशासन ने पुख्ता की तैयारियां। बस्ती में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, किन्नर समाज में पदों का वितरण। फतेहपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध असलाह फैक्ट्री का किया खुलासा। फिरोजाबाद में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, रोड न बनने से थे नाखुश। गाजीपुर में घायल अवस्था में मिली युवती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में पुलिस प्रशासन इक्सी कमर, सीमा साझा करने वाले बॉर्डर का निरीक्षण, 25,000 के इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार। गोरखपुर में 25,000 के इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस और स्वाट टीम ने बिहार में किया गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली शराब का जखीरा पुलिस ने पकड़ा। रायबरेली में बैंक मैनेजर की ग्राहकों की अभद्रता, बैंक मैनेजर का वीडियो वायरल।
संभल में चोर की जिला अस्पताल में पिटाई, पिटाई का वीडियो वायरल। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दो यात्री सुविधा केंद्र सक्रिय, टिकट खरीदने पर ही मिल सकेगी सुविधा। पीएम ने काशी के कार्यकर्ताओं को दी जीत का मंत्र, कहा हमें एक एक वोट की कीमत समझानी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू, एक महीने के अंदर घोषित होंगे परिणाम। लखनऊ में बिना अनुमति निकाली बाइक रैली, पूर्व मंत्री समेत 12 अज्ञात पर एफआईआर। पौड़ी गढ़वाल में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन, 20 सूत्री योजनाओं की डीएम ने ली बैठक। कलियर में चुनाव आते ही प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नरेंद्रनगर में लगातार कोहरे से हाल बेहाल, कोहरे से छतों से टपक रहा पानी। टिहरी में उत्तराखंड में सियासत की हलचल तेज, यूथ कांग्रेस ने हरक का किया स्वागत। उत्तराखंड में निचले स्थानों पर लाए जाएंगे 24 मतदान केंद्र, चुनाव के लिए प्रदेश में 1647 बनाए गए हैं मतदान केंद्र। बसपा ने उत्तराखंड की 37 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा, कभी राज्य में बसपा तीसरे सबसे राजनीतिक दलों के रूप में रखती थी पहचान। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर बड़ा हादसा, पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से 3 व्यक्तियों की मौत। आपदा में उछड़ गया चुकूम गांव, टेट में रह रहे ग्रामीण नेताओं ने कहा था एक माह में कर देंगे पुनर्वास। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, दिन भर छाया रहा कोहरा और धुंध। देहरादून के हत्या के आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। हल्द्वानी की सुग्रा 115 और रामनगर की केशुली 114 की उम्र में करेंगी मतदान। उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में तय नहीं हो सके प्रत्याशियों के नाम, हरक सिंह रावत की एंट्री पर जारी है घमासान। उत्तराखंड चुनाव में गरीबों को 2.5 लाख की मदद, किसानों के कर्ज माफ, बीजेपी का नेता, घोषणा पत्र का वायरल। तेंदुए हमले से लोगों में गुस्सा, 3 घंटे तक जंगल में रखी लाश, आदमखोर घोषित करने की रखी मांग। कुमाऊं में पहाड़ की धूप देगी ठंड से राहत, उधम सिंह नगर में कोहरा बनेगी मुसीबत। मुश्किल में इमरान खान की पार्टी, 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द।
सऊदी गठबंधन सेना का यूती विद्रोह स्वाहियो हवाई पर हवाई हमला, दो भारतीय समेत तीन लोगों की मौत। अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, अब तक 26 लोगों की मौत। बीजिंग में सामने आया ओमिक्रॉन का मामला, चीन ने कहा कनाडा से डाक के जरिए यहां पहुंचा वेरिएंट। पाकिस्तानी एनएसए काबुल जाकर सुलझाएंगे बाढ़ का विवाद, तालिबान को डूरंड रेखा पर बाढ़ लगाने पर है आपत्ति। अमेरिका का बर्फीले तूफान से बुरा हाल, लाखों की बिजली गुल, सैकड़ों पर सड़कों पर आवागमन ठप। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने चेताया कोरोना महामारी अभी खत्म होने वाली नहीं। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फासी ने दिया यह बयान। अफगानिस्तान में बड़ा ऑपरेशन, मारा गया इस्लामिक स्टेट खुरासन का पूर्व प्रमुख असलम फारूकी। इमरान खान के लिए मुसीबत बने अपने ही पार्टी के नेता, सरकार की आलोचना पर नूर को दिया नोटिस। खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ शिकायत, दिल्ली के वकील ने न्यूयॉर्क पुलिस से कहा गुरप्पल वंश सिंह पन्नू भारत के खिलाफ जंग की रच रहा साजिश। ऑडियो और प्यूमा ने विराट कोहली के साथ खड़े होने का किया फैसला, ब्रांड एक्टिविटी पर जताया भरोसा। छोटे शहरों को निर्यात हब बनाने पर होगा सरकार का ध्यान, बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, टाटा मोटर लॉन्च करेंगे 6 दमदार एसयूवी। आईपीओ से जुड़े नियमों के एसबीआई ने किया बदलाव, एंकर निवेशकों का लॉक इन पिरामिड भी बढ़ा। मेट्रो ब्रॉन्ड्स के शेयर में आया 20% का उछाल, झुनझुनवाला के पास भी है इसके स्टॉक। भारत में निवेश का यही समय सबसे उपयुक्त, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले पीएम मोदी। टाटा की पॉपुलर एसयूवी सफारी का डार्क एडिशन लॉन्च, एसयूवी सफारी का डार्क एडिशन लॉन्च। एलयूएस में 3000% से ज्यादा का उछाल, बिटकॉइन का डोजकॉइन में गिरावट। बैंक एफडी का लॉक इन समय 3 साल करने की मांग, आईबीए ने वित्त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। कोरोना काल में हेल्थ बजट बढ़ा सकती है सरकार, मिलेगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। शेष खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने रात भर पार्टी कर जमकर किया हंगामा, जिसके चलते बुलानी पड़ी पुलिस। रोहित शर्मा को कोहली के जगह भारतीय टेस्ट कप्तान क्यों नहीं बनाया जा सकता, गवास्कर ने बताया कारण।
हार्दिक पांड्या, शुभन गिल और राशिद खान जुड़ेंगे अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के साथ। साउथ अफ्रीका दौरे के बाद विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को दी जाएगी टेस्ट टीम की कप्तानी, बीसीसीआई सूत्र ने किया कंफर्म। भारतीय खिलाड़ी राजगोपाल सतीश का दावा, मैच फिक्स करने के लिए की गई थी लाखों रुपए की पेशकश। एबी डिविलियर्स ने जोड़ा सबसे तेज वनडे शतक, 25 गेंदों पर ही बना दिए 132 रन। पाकिस्तान ने पहले मैच में दर्ज की 115 रन के जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत। कीगन पीटरसन टेस्ट में बने मैन ऑफ द सीरीज, बोले मेरे अब तक के करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी आक्रमण। बीसीसीआई ने विराट कोहली को बताया निडर और साहसी, रवि शास्त्री भी आए साथ। हार्दिक पांड्या और राशिद खान को मिलेगी 15-15 करोड़, अहमदाबाद ने तीन खिलाड़ी किए फाइनल। मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है तलाक, पत्नी संग अलगाव पर बोले महाभारत के कृष्ण, नीतीश भारद्वाज। पुष्पा के आइटम सॉन्ग से चमकी समानता की किस्मत, बॉलीवुड से मिले तीन फिल्मों के ऑफर, मिलेगी मोटी रकम। काजोल की बेटी न्याशा देवगन का दिखा गजब ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में हुई वायरल। धनुष और ऐश्वर्या के अलग होने पर झलका रजनीकांत के फैंस का दर्द, थलाइवी के लिए किया जाता था दुख। अक्षय कुमार ने 21वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी ट्विंकल खन्ना के लिए लिखा प्यार भरा पोस्ट, कहा हर दिन होता है तुम्हारे साथ नया। सार अली खान ने खजुराना गणेश मंदिर में किया पूजा, साथ में दिखी मां अमृता सिंह। अर्जुन रामपाल की बड़ी बेटी हुई 20 साल की, इंटरनेट पर छाई महिका राजपाल की तस्वीरें। कीर्ति सेनन का बॉडी शेमिंग पर छलका दर्द, एक्ट्रेस बोली प्लास्टिक की गुड़िया नहीं हूं। अली अब्बास जफर को बर्थडे विश करना, शाहिद कपूर को पड़ा भारी, फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करने पर पड़ी डांट। तनुश्री दत्ता इंडियन मॉडल कहलाने से हुई परेशान, बोली मैं बॉलीवुड स्टार हूं। तो यह थी अब तक की 100 बड़ी खबरें, ऐसी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।